वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी, जगत उतार। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी, जगत उदार हित। जदों सनातन धर्म के अस्थाना वल गए तो गुरदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह जी जगन्नाथ की धरती ते पहुँचे। जगन्नाथपुरी के पांड्या ने, लोगों ने गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं पछाणिया। पता लगा कि यह नानक तपा है जिसने कदी सुल्तानपुर की धरती ते इस्लाम धर्म की इबादत गाह ते जाके सिजदा कीता है। ते इन्हां दा यह मनना है कि कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, सब उस प्रभु दे बंदे हन। जगन्नाथपुरी दे पांड्या ने गुरु साहिब नूं यह बचन कहे कि जे उन्हां दी इबादत गाह विच जाके तुसी सिजदे कर सकते हो कि साढ़े जगन्नाथपुरी दे मंदिर विच आके भी उस जगन्नाथ दे दर्शन करो, उहदी आरती विच शामिल हो। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उन्हां दे नाल गए। आरती दा सारा सतगुरु जी ने दृश्य देखिया। वो लोग जगन्नाथ दी वड्डी मूर्ति दे अगे आरती थाल दे विच दीवे रख, मोती ते फुल सुगंध रख, उहदी आरती पे करदे। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी आराम नाल ये सारा गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी आराम दे नाल ये सारा वर्तारा देखते रहे। जिस वक्त पांड्या ने आरती समाप्त कीती तां उन्हां ने भी उही बोल कहे कि तुसी साडी आरती विच शामिल नहीं होए। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहिंदे, मैं तां जगन्नाथ दी आरती विच अठे पहर शामिल हाँ, तुसी मैनू किते नज़र ही नहीं आए। कह लगे, किहड़ी आरती तुसां कीती? कोई थाल तुहाडे कोल नहीं, कोई दीवे उहदे च जगदे नहीं, कोई मोती फुल तुसी अर्पण नहीं कीते, कोई जगन्नाथ दी मूर्ति ते चौर तुसी नहीं कीती, कोई सुगंधी वाला पदार्थ तुसी नहीं छिड़किया, तुसी किहड़ी आरती दी गल करदे हो? तां गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहिंदे, पांड्या नूं आरती कीती नहीं जांदी, आरती तां हो रही है, असीं उस आरती विच शामिल होना है। जगन्नाथ बहुत वड्डा है, ये छोटे दीवे उहदी आरती दी तौहीन हन। सूरज ते चंद वो दीवे हन, आकाश वो थाल है, तारे वो मोती हन जो उहदी आरती दे विच लगे हुए हन। पौण जिहड़ी है चौर पई करदी है, हिमालिया तो आउंदियां सुगंधी वालियां पौणा धूफ पईआं करदियां ने। ये आरती तां उस जगन्नाथ दी हो रही है, असीं उस आरती विच शामिल होईए। उत्थे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने पावन बचन भी उचारण किया जिन्हों असी तनासरी महला पहला आरती इस शब्द नाल जानते हाँ। गगन मैथाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मल्याण लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फूल अंत ज्योति। कैसी आरती होए भावखंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सच्ची इबादत करन दा, सच्ची आरती करन दा तरीका दसिया भी जो करतार पुरख ने एक कुदरत साजी है, बनाई है, उस कुदरत दे नज़ारियां दे विच्चों, उस कुदरत दे विच्चों उस करते नूं देखिए, उस करते दी ए रौनक, उस करते दी सकिरत दे विच्चों उस करते नूं पालिए। ये संसार दे विच आकाश एक थाली नहीं आई है, गगन मै थाल, गगनमई थाल है रव चंद। रव कहिंदे ने सूरज नूं, चंद दा भाव चंद्रमा। रव चंद दीपक बने, ये दोवें दीवे बने हुए ने। तारका मंडल जनक मोती, तारे जो ने ये मोतियां दा कम पै करदे ने। तारका मंडल जनक मोती, धूप मल्याण लो पवन चवरो करे, हिमालिया वालों आउंदी सुगंधी वाली हवा वो धूप दा कम करदी है, पवन चलदी वो चौर दा कम करदी है, पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति। ये सारी बनस्पति जो पसरी हुई है, खिड़ी हुई है, ये सारी बनस्पति ही उस करते पुरख की आरती विच लगी हुई है। हर एक जीव अंदर उहदी जोत जगदी है, हर एक प्राणी अंदर वो जग रहा है, वो बोल रहा है, वो देख रहा है। ये भाव जदों बन जाएगा असी उस करते की सच्ची भगती विच जुड़ जावा। जगन्नाथपुरी दे
पंडितों ने गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की उस वार्ता समझिया, हाथ जोड़े ते ए इकरार किया, असी सदा उस करते की आरती विच शामिल होवांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।